हेलो फ्रेंड्स, जेएम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हिंदी की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 131 बनाएंगे। अभी तक हम हिंदी के 130 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर प्रीवियस सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और सब्जेक्ट के भी यदि आप लेसन प्लान चाहते हैं या सूक्ष्म शिक्षण के प्लान चाहते हैं या एग्ज़ाम पेपर चाहते हैं, सभी की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे में मिल जाएगी और वहाँ से आप देखकर प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। फिर भी यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना बनाना। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना होता है जिसमें आप छात्र अध्यापिका का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम डालेंगे। सबसे पहले अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, फिर डालेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है, फिर डालनी है आपको कक्षा। यहाँ पर मैंने कक्षा इसलिए नहीं डाली क्योंकि जिसने भी मुझे ये लेसन प्लान भेजा है उसने मुझे बनाने बोला था और पिक भेजी है, क्लास नहीं बताई। मैंने एक दो बार और पूछा, शायद वो नहीं देख पाए होंगे मैसेज, तो उनने क्लास नहीं बताई है, मगर उनको ज़रूरत थी तो मैंने सोचा बनाकर डाल देती हूँ। विषय है हिंदी, उपविषय है गद्य, प्रकरण है ईसा मसीह, दिनांक, कालखंड और समय आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालेंगे, यानी दिनांक जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे, कालखंड प्रथम या द्वितीय तृतीय जो भी आपका हो वो डालें। समय अवधि है 35 मिनट, यानी जितने का भी आपका पीरियड लगता हो आप उतने मिनट का यहाँ पे डाल सकते हैं। कहीं कहीं 35 मिनट का लगता है, कहीं पे 40 मिनट का लगता है। इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी है। जब आप क्लास में जाते हैं प्रेजेंटेशन करते हैं तब भी आपको इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है। इस तरीके से बॉक्स में एक और तरीका होता है कि आप एक लंबा, आप अपना नाम लिख देते हैं, विद्यालय का नाम लिख देते हैं, उसके बाद एक लंबा सा पतला सा बॉक्स बनाते हैं जिसमें आप इस तरीके से कॉलम बनाते हैं और फिर उसमें कक्षा, विषय और समय अवधि ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो दो तरीके होते हैं, दोनों ही सही हैं। कहीं पे इस तरीके से बनाया जाता है, कहीं पे उस तरीके से बनाया जाता है। हमारा पहला पॉइंट है पाठ योजना का सामान्य उद्देश्य। मैंने लिखा है पूर्व अनुसार, यानी कि इसका जो भी हमारे पाठ योजना के सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं, यानी हम हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य क्यों पढ़ा रहे हैं, ये दोनों चीज़ों के बारे में हमको इसमें लिखना है। तो हिंदी, जो भी हिंदी की पाठ्य योजना है उसके लिए सभी के लिए सामान्य उद्देश्य समान होंगे, इसलिए हमने पूर्व अनुसार लिखा है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि जो भी टॉपिक है हम क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ पर लिखना होता है। तो जो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो ये है कि महापुरुषों की विचारधारा से परिचित हो सकेंगे बच्चे। दूसरा, ईसा मसीह के विषय में जान सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसकी विशिष्ट उद्देश्य, यानी ये दोनों पॉइंट हमारे हो गए हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि हम जो टॉपिक है ईसा मसीह वो क्यों पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आता है सहायक सामग्री, यानी कि जो भी हम सहायता के तौर पे कक्षा में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं सहायक सामग्री के अंतर्गत। इसमें हम लपेट श्यामपट, चौक, स्वच्छंदक यानी कि डस्टर, संकेतक, कक्षा उपयोगी सामग्री, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। आप चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ईसा मसीह का चार्ट दिखा दें उनको या मूर्ति दिखा दें तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे हमारे टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं वो हो जाता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी विभिन्न धर्मों के प्रवर्तकों से परिचित है, पूर्व ज्ञान। के बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं, क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, इसको आप विद्यार्थी व्यवहार भी लिख सकते हैं, छात्र अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार भी लिख सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि भारत में किन किन धर्मों के लोग निवास करते हैं, सॉरी गलत लिखा गया है यहाँ पे, लोग करें इसको, किन किन धर्मों के लोग निवास करते हैं।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के लोग निवास करते हैं। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो उनको पता है ईसा मसीह थे। ईसा मसीह के बारे में आप क्या जानते थे? वो और डिटेल में नहीं जानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उसी के साथ हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम श्री सद्गुरु शरण अवस्थी द्वारा लिखित पाठ ईसा मसीह के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया। इसी के साथ आप ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण डाल देंगे। अभी तक हम प्रकरण की जो जगह होती है वो खाली छोड़ के रखते हैं, क्योंकि यदि हम पहले से ही प्रकरण डाल देंगे तो बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हम कक्षा में जाते हैं, ब्लैक बोर्ड फिलिंग हमको सारी एक साथ बनानी होती है, यानी कि ये सारी चीज़ें हम भर लेते हैं, लेकिन जो प्रकरण है वो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। और जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम ईसा मसीह पढ़ेंगे या आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब हमको ये टॉपिक डालना होता है। तो चलिए आते हैं हम जहाँ पे थे वहीं पे उद्देश्य कथन पर, कि आज हम श्री सद्गुरु शरण अवस्थी द्वारा लिखित पाठ ईसा मसीह के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो पाठ है हम वो शुरू करेंगे यहाँ से पढ़ाना बच्चों को। तो इसके लिए भी हम कॉलम बनाते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, शिक्षण विधि, विद्यार्थी क्रिया। आप चाहें तो श्यामपट कार्य का कॉलम भी बना सकते हैं, उसमें आपको वही सब लिखने होते हैं शब्दार्थ, बाकी ब्लैंक होता है। तो आप इसके लिए एक प्रारूप बनाकर भी लगा सकते हैं अंत में, जिसके लिए हम ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करते हैं। जब श्यामपट कार्य लिखेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो यहाँ पे हम शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आदर्श पाठ पढ़ेंगे, यानी कि जो पाठ है उसका आदर्श वाचन, छात्र अध्यापिका, शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर गति एवं उचित हाव भाव के साथ गद्यांश का स्वसर वाचन करेंगी। यहाँ पे वाचन विधि का इस्तेमाल होगा। विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद उच्चारण संशोधन, यानी पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं, छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों उसे कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराएंगी। और अर्थकथन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। छात्र अध्यापिका के आदेश अनुसार विद्यार्थी कठिन शब्दों या कथित शब्दों का उच्चारण अभ्यास करेंगे। स्वसर वाचन, स्वसर वाचन में छात्र अध्यापिका कुछ विद्यार्थियों से अवतरण का उचित गति, हाव भाव एवं शुद्ध उच्चारण के साथ स्वसर वाचन करने का आदेश देंगी। वाचन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। विद्यार्थी आदेश अनुसार शुद्ध उच्चारण एवं उचित गति, स्वर व हाव भाव के साथ अवतरण का स्वच्छ वाचन करेंगी। फिर आता है शब्दार्थ, यानी कि जो भी कठिन शब्द हमारे पाठ में आए हैं उसके हम अर्थ बताएंगे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर। आप इनको एक एक लिखवाएंगे, विद्यार्थी इसको कॉपी में लिखेंगे। इसी समय आप निरीक्षण कार्य कर सकते हैं, घूम घूम कर उनको देख सकते हैं। चाहे तो इसके बाद लिख दें कि निरीक्षण कार्य का पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो शब्दार्थ हैं आप लपेट श्यामपट पर लिख कर ले जा सकते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। आप श्यामपट सारांश में भी इन्हीं को लिख सकते हैं। फिर आता है विचार विश्लेषण प्रश्न, यानी कि जो पाठ में कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो हम बच्चों से कर लेंगे। यहाँ पे हम पूछ लेंगे, ईसा मसीह ने जगत के कल्याण के लिए क्या उपदेश दिए? ईसा मसीह का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों से पूछ लेंगे। उसके बाद व्याख्या करेंगे, यानी पूरा पाठ को आप एक्सप्लेन करेंगे। व्याख्यान विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आता है श्यामपट कार्य या श्यामपट प्रारूप, यानी आपको एक ब्लैक कार्ड शीट लेनी है इसके लिए, और श्यामपट आकार में उसको काटनी है, और उस पर जो ब्लैक बोर्ड फिलिंग हम शुरू में लिखते हैं वो लिखनी है सारी। और कुछ भी आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिख सकते हैं, जैसे शब्दार्थ लिख दिए, या फिर और भी चीज़ें जो पाठ में आती हैं वो आप यहाँ पे मुख्य बिंदु लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि जो भी आपने पढ़ाया समझाया उससे रिलेटेड आप कुछ प्रश्न कर लेंगे। इनको पुनरावृत्ति प्रश्न भी बोल सकते हैं। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, आपने 2 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, जितना भी आप उस समय में एडजस्ट कर पाएँ उतने प्रश्न आप यहाँ पर लिख लीजिए। क्योंकि जितने हम पूछ सकते हैं उतने ही लिखे तो औचित्य है, क्योंकि हम ज़्यादा लिख लें हम पूछ नहीं पाते, तो परिवेक्षक को ये नज़र में भी आता है कि भाई इतने सारे लिखे हैं इन्होंने और पूछे तो हैं ही नहीं। तो पाठ को हमको 35 मिनट या 40 मिनट में हम जो प्रेजेंट कर सकें उतना ही लिखना है। ईसा मसीह के जन्म के समय यरूशलेम में क्या प्रथा थी? ईसा मसीह के उपदेशों का तुम पर क्या प्रभाव पड़ा? ये हो गया मूल्यांकन प्रश्न। फिर गृहकार, ईसा मसीह का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ? अगला है, ईसा मसीह के उपदेशों पर अपने विचार व्यक्त करो। तो ये हो गए हमारे गृहकार। हमको पिछले दिन का होमवर्क भी बच्चों का चेक करना है, क्योंकि हम एक ही क्लास में लगातार पढ़ाते हैं, तो यदि हम उनको लगेगा कि ये तो कोई नकली सी टीचर आई है जो पढ़ा रही है और चली जाएंगी, तो ऐसा उनको नहीं लगना है। तो आप क्या करेंगे,
अब जब उनको होमवर्क देंगे तो होमवर्क चेक भी करेंगे, और जिसमें पर्यवेक्षक भी देखेगा आपको कि भाई ये सारी चीज़ें सही सही करते हैं, जो भी पाठ का हमारा क्रम है उसी क्रम में पढ़ा रहे हैं और जो भी प्रमुख बिंदु हैं उन पर अमल कर रहे हैं। फिर आता है टिप्पणी, जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा यहाँ पर, जैसा मैं आपको बताती हूँ कि पर्यवेक्षक आपको देख रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएंगे कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, और क्या उनके सुझाव हैं। ये सारी चीज़ें वो यहाँ आपको पॉइंट में लिख देंगे। फिर आता है हस्ताक्षर का कॉलम, जिसमें आपके हस्ताक्षर, अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, अध्यापिका हैं तो एज इट इज़ लिखेंगे छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, जो भी पर्यवेक्षक है आपको देख रहा है, पाठ का अवलोकन कर रहा है आपके सहपाठी के साथ, वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, जय।